Good morning, all of you. Welcome to our live program of CIT-NCERT. I am Sabila Rashid, and today we are going to discuss about psychological assessment and testing. We have Ms. Sunita Devi with us, who is Assistant Professor in Department of Educational Psychology and Foundations of Education, NCERT. Ma'am, we welcome to your show. मैम, जिस विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं एजुकेशनल असेसमेंट, तो ये क्या है, ये आप हमारे दर्शकों को बताएंगी? जब हम साइकोलॉजिकल असेसमेंट की बात करते हैं, बेसिकली ये वी गैदर द इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सन, वी इंटीग्रेट एंड देन वी इंटरप्रेट दैट साइकोलॉजिकल डेटा इन ऑर्डर टू असेस और इन ऑर्डर टू हेल्प यू टू ब्रिंग आउट योर बेस्ट from different sources. Like we assess through interview, we use psychological testing, we use case studies, we use talking to your friends, your parents, your teachers and all. And when we talk about the difference between psychological assessment and testing, what is it? See, psychological assessment is a broad term, and psychological testing is one part of psychological assessment. Basically, we use psychological assessment for the screening. Screening in the sense that we want to find out your strength, your limitations. Because when you get to know about your strength, that this is your strength, that this is your strength, then we help you to increase that strength. And when we got to know what is your limitations, aapki seemaye kya hain, aapke kamzoriyan kya hain, so that aap us pe work karke aap aur aage badh sakte ho. To psychological assessment screening ke liye hum use karte hain. Then we also use for the diagnostic purposes. कुछ बच्चे होते हैं जो मुश्किल होती है जिसको पढ़ाई करने में, कुछ होते हैं जिसको आपस में फ्रेंड्स के साथ डील करने में मुश्किल होती है, बिहेवियरल इश्यूज होते हैं, इमोशनल इश्यूज होते हैं, तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट हमें हेल्प करती है उसको डायग्नोस करने में कि उसका मेन इशू क्या है और वो किस वजह से ये दिक्कतों के सामना करना पड़ रहा है उसको. देन वी ऑल्सो यूज साइकोलॉजिकल असेसमेंट फॉर थेरेप्यूटिक पर्पजेज. वंस वी नो कि दिस चाइल्ड इज हैविंग दिस काइंड ऑफ डिफिकल्टी, ये इसको मुश्किलें आ रही हैं और ये मुश्किलें क्यों आ रही हैं, तो हम उसको थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन देते हैं, हम उसको हेल्प करने में, इजी करने में मदद करते हैं ताकि वो अपना लाइफ को अच्छे से जी सके या अपनी जो काम है वो अच्छे से कर सके. देन वी ऑल्सो असेस फॉर प्रोग्रेसिव इवैल्यूएशन. वी इवैल्यूएट कि आपका एक महीने पहले क्या परफॉर्मेंस था, उसके बाद क्या परफॉर्मेंस था. एंड देन वी ऑल्सो डू साइकोलॉजिकल असेसमेंट फॉर द रिसर्च पर्पजेज. वॉट इज द मेन पर्पज of this particular intervention and how was the intervention, so that we store that particular data for the future use and for scientific purposes. और अगर हम purpose की बात करें कि क्या जरूरत है psychological assessment करने की? जी, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट जो है वो हमें मदद करता है इंसान की अच्छाइयाँ क्या हैं, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, और उसको आगे बढ़ाने के लिए साइकोलॉजिकल असेसमेंट हेल्प करता है. इट इज़ नॉट ओनली टू फाइंड आउट द डिफिकल्टीज कि उस बच्चे को मुश्किलें क्या आ रही हैं, रादर इट ऑल्सो हेल्प्स इन कि उस बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, सो दैट हम उस स्ट्रेंथ को लेके बच्चे को एक सक्सेस की और उसको आगे बढ़ने की और मदद कर सकते हैं. जी, आजकल हम काफ़ी देखते हैं, जब आप साइकोलॉजिकल असेसमेंट और टेस्टिंग की बात कर रही हैं, ऑनलाइन बहुत सारे जो बच्चे रहते हैं, इवन माँ बाप हैं, वो भी ऑनलाइन टेस्ट करते हैं, तो कितना रिलायबल होता है ये टेस्ट? फिर जब हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की बात करते हैं तो बेसिकली ये एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं. जब हम स्टैंडर्डाइजेशन की बात करते हैं तो उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आप किस तरीके से एडमिनिस्टर कर रहे हो, एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस उसमें प्रोसीजर्स लिखा होता है. देन यू ऑल्सो टॉक अबाउट हाउ डू वी स्कोर दैट, तो उसमें स्कोरिंग, उसमें स्टैंडर्डाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस सब डिटेल में दिया होता है, सो दैट एनीवन, सपोज इफ आई एम डूइंग इट और शबीला इज डूइंग इट, इफ शी इज ट्रेन्ड इन साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, देन द रिजल्ट शुड बी ऑलमोस्ट लाइक वी शुड फॉलो द सेम प्रोसेस. तो अपनी जो सब्जेक्टिव बायस आता है, जो हमारा एक करने का तरीका है और उसकी वजह से रिजल्ट चेंज होगा, वो नहीं होगा. तो दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन. अदर साइकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज किसी टेस्ट की जो होती है वो होती है नॉर्म्स. Then we talk about reliability and validity. Norms होता है, suppose मैं किसी 6 साल के बच्चे का assessment कर रही हूँ, तो उसका जो measurement होगा वो उसी age group के साथ होगा.
यू नो तो एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ द ग्रुप, जब उस परफॉर्मेंस ऑफ द ग्रुप जो होता है उसके हिसाब से हम कहते हैं कि इस बच्चे की परफॉर्मेंस उस ग्रुप से बेहतर है या उस ग्रुप से कम बेहतर है, तो वो बिलो एवरेज है या वो अबव एवरेज है, तो दैट इज नॉर्म्स. तो एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ द ग्रुप जो कि कंपैरिजन के लिए यूज होती है. देन वी टॉक अबाउट रिलायबिलिटी. रिलायबिलिटी का मतलब होता है ट्रस्ट वर्दीनेस. हम कितना इस टेस्ट पे रिलाय कर सकते हैं वो उसकी स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस पे डिपेंड करता है. सपोज अगर आप बीमार हो, आप हॉस्पिटल जाते हो, डॉक्टर कहता है आपको टेस्ट कराने हैं, आप लैब में जाते हो, एक लैब वाले ने बोला आपका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, दूसरे वाले बाई चांस आपको कहीं और भी टेस्ट कराना पड़ा, वहां पे जाके कहते हैं आपका बी पॉजिटिव है, यू आर कन्फ्यूज्ड कि अभी ओ था अभी बी था, किस पे मैं रिलाय करूं, किस पे मैं ट्रस्ट करूं. सो रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन वी टॉक अबाउट वैलिडिटी. वैलिडिटी मींस जो हम मेजर करना चाह रहे हैं क्या वो टेस्ट वही मेजर कर रहा है. अगर मैं आपके इमोशंस को मेजर करना चाहती हूं तो उसमें जो टेस्ट आइटम्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो इसी तरीके से होने चाहिए जो आपके इमोशंस को बाहर निकाल के लेके आए, रादर देन आपका इंटेलिजेंस या आपका अदर साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूशन. सो दैट इज वैलिडिटी. तो इट शुड मेजर व्हाट इट सपोज टू मेजर. सो दीज आर द क्राइटेरिया ऑफ एनी साइकोलॉजिकल टेस्ट. तो जो ऑनलाइन टेस्टिंग होती है, वी डू नॉट नो वेदर इट्स रिलायबल और नॉट. What are the norms they are following? Whether they are following the Indian norms or the Western norms? Because जो context है, जो वातावरण है हमारा, वो बहुत different है. जो यहाँ के बच्चे हैं और जो वहाँ के बच्चे हैं, different है. अगर मैं किसी गांव के बच्चे को assess करूँगी और उसको एक बहुत ही बड़ा PCP या कोई mobile ऐसा दे दूँ जो उसको aware नहीं है, and then we say, oh, he is not intelligent और उसमें दिमाग नहीं है, वो बेवकूफ़ी होगी. Because उस context में उस बच्चे को exposure नहीं है, तो उस बेसिस पे मैं उस बच्चे को असेस नहीं कर सकती. तो जो नॉर्म्स है वो उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट से स्पेसिफिक होने चाहिए कि अगर इंडियन बच्चा है तो इंडियन नॉर्म्स होने चाहिए और वेस्टर्न बच्चा है तो वहाँ के नॉर्म्स होने चाहिए. यानी कि अगर हम वातावरण की बात करें, सराउंडिंग की बात करें, तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट में इसका काफी ज्यादा योगदान है. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इसका इम्पॉर्टेंस है साइकोलॉजिकल असेसमेंट में. प्लस देर आर मेनी फैक्टर्स विच अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द साइकोलॉजिकल टेस्ट. बहुत सारे लोग या टीचर्स भी ये कहते हैं इसका टेस्ट करा लो, या आम लोग भी जाते हैं, पेरेंट्स भी जाते हैं कि इसका IQ टेस्ट करा लो, पता नहीं कितना समझ पाता है नहीं पाता. लेकिन हम जब बात करते हैं साइकोलॉजिकल असेसमेंट की, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एक छोटा पार्ट है असेसमेंट का. वो सिर्फ साइकोलॉजिस्ट जो ट्रेन होते हैं वो करते हैं, बिकॉज उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो परफॉर्मेंस बच्चे की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं. उसके अलावा टीचर्स पेरेंट्स जो है वो साइकोलॉजिकली बच्चे को असेस कर सकते हैं. कैसे, वो हम डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो कि हम इसमें भी बात करेंगे. फॉर एग्जांपल इंटरव्यू, आप बात करते हो, इंटरव्यू भी कई तरीके के होते हैं. स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होते हैं और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होते हैं, जिसमें कि आप बच्चे से बात कर रहे हो, उसको कैसा क्या चीज़ पसंद है, उसको क्या चीज़ नहीं पसंद है. जब आप खुले मन से बच्चे से बात करते हो, आपकी रेपो बहुत अच्छी होती है बच्चे के साथ, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता लग जाती है बच्चे के बारे में. आपको किसी टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती उस टाइम. देन यू ऑल्सो ऑब्जर्व कि उस बच्चे की क्लासरूम में कैसी परफॉर्मेंस है, उस बच्चे की बाहर कैसी परफॉर्मेंस है, उसका बिहेवियर कैसा है अपने फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ उसका रिएक्शन क्या है, पेरेंट्स के साथ उसका कैसा रिएक्शन होता है, एंड देन यू कम टू सम कंक्लूजन. तो देर आर मेनी अदर टेक्निक्स अपार्ट फ्रॉम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग विच वी कैन यूज टू असेस एनी चाइल्ड एंड हेल्प द चाइल्ड. जी, जैसा आपने बताया कि इंटरव्यूज एक तरीका होता है, माँ बाप भी कर सकते हैं या फिर अगर कोई ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट है उससे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर और भी मुद्दे पे बात करें, और भी चीज़ें इसमें शामिल होंगी, तो किस तरह की चीज़ें जिससे साइकोलॉजिकल असेसमेंट या टेस्टिंग कर सकते हैं? जब हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसलिए हम बहुत ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करते, बिकॉज ये एक ट्रेन्ड पर्सन टेस्टिंग कर सकता है. फॉर एग्जांपल कुछ फैक्टर्स हैं जो टेस्टी पे डिपेंड करता है. अगर मैं आपको टेस्ट दे रही हूँ, आप एक साइकोलॉजिकल टेस्ट ले रहे हो, तो आप टेंडेंसी ये होती है सोशल डिजायरेबिलिटी की, जो आप आंसर देंगे वो ऐसा देंगे कि सुनीता मैम खुश हो जाएं, या सुनीता मैम मेरे बारे में कुछ बुरा ना सोचें या नेगेटिव ना सोचें. तो ये एक वीकनेस है या एक लिमिटेशन है साइकोलॉजिकल टेस्ट की, जिसमें बच्चा जो है वो सोशली डिजायरेबल आंसर देता है. दूसरी वीकनेस हो सकती है कि बच्चा जो भी टेस्ट आइटम्स पढ़ता है उससे अग्री करता है, वेदर द ही इज अग्री विद द कंटेंट और नॉट. वो उस क्वेश्चन से अग्री कर रहा है या नहीं कर रहा है उस पर नहीं, वो सिर्फ क्या करते, बच्चे कुछ बच्चे बिना पढ़े ही टिक 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 करते रहते हैं. तो उस
चांस में भी आपको बहुत सारा सही परफॉर्मेंस या सही आंसर्स नहीं मिलते. देन वी हैव द लाइक उसको समझ आया कि नहीं आया, जो क्वेश्चन पढ़ा है उसकी लैंग्वेज कोई मुश्किल तो नहीं है, वो इंटरप्रेट करने में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, उसकी ओरल इंस्ट्रक्शन है या रिटन इंस्ट्रक्शन है. कुछ बच्चे हैं जो बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहते या रीड नहीं करना चाहते या बहुत जल्दी में करते हैं, पूरे पोर्शन को नहीं पढ़ते, पहला पोर्शन पढ़ते हैं और उसी का जल्दी से कंक्लूजन निकाल लेते हैं. तो इन सारे फैक्टर्स से उस बच्चे की परफॉर्मेंस अफेक्ट होती है, तो हम ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छी उसका रिजल्ट आएगा उस पर्टिकुलर टेस्ट में. देन देयर आर सम फैक्टर्स व्हिच आर रिलेटेड टू द टेस्ट. टेस्टर मीन्स जो मैं टेस्ट कर रही हूँ, मैं कितना अच्छे से, मुझे ट्रेनिंग है या नहीं है, मेरी क्वालिफिकेशन क्या है. बहुत सारे आजकल मार्केट में, क्योंकि पैसा ज़्यादा आता है और लोग इसको एक ऑक्यूपेशन की तरह ले रहे हैं, तो मार्केट में बहुत सारी शॉप्स खुल गई हैं जहाँ पे आप साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करवा के आते हो. तो मेक श्योर कि साइकोलॉजिकली क्वालिफाइड और ट्रेन्ड पर्सन हो जो ये टेस्ट करता है, तो उसकी क्वालिफिकेशन, उसका एंड देन माई नॉलेज अबाउट कि इस बच्चे का क्या लेवल है और मुझे क्या क्या टेस्ट यूज करने चाहिए. ओरल यूज करने चाहिए, रिटन यूज करने चाहिए, किस बैकग्राउंड से बच्चा आ रहा है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे पता होनी चाहिए, तभी मैं उस बच्चे की बेस्ट परफॉर्मेंस एक टेस्ट के थ्रू जान सकती हूँ. देन डिपेंड ऑन द टेस्ट की वो टेस्ट किस तरीके का यूज किया, जैसे हमने बात कर रहे थे कॉन्टेक्स्ट की, इंडियन नॉर्म्स है या वेस्टर्न नॉर्म्स है, उसका कोई इंडियन अडेप्टेशन है या नहीं है उस टेस्ट का. देन टॉक्स अबाउट द एनवायरमेंट, वातावरण. अगर बच्चा सुबह से शाम स्कूल में था और मैं शाम को उसको टेस्टिंग के लिए बुलाती हूँ, आपको क्या लगता है वो कितना परफॉर्म कर पाएगा? शायद वो थका रहेगा तो ज्यादा बेहतर ना कर पाएगा. यस, तो वातावरण में बहुत गर्मी है या बहुत थकान है या बच्चे की हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं है, उसको भूख लगी हुई है, तो वो सारी चीजें उसके टेस्ट परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती हैं. तो वातावरण बहुत अच्छा होना चाहिए. या मैं यहाँ पे अगर टेस्ट कर रही हूँ और कोई आपको देख रहा है तो भी उसका प्रभाव पड़ता है, उसकी परफॉर्मेंस अफेक्ट होगी, उसका प्रभाव पड़ता है. तो ये सारे फैक्टर्स है जो आपकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकता है. फिर ये डिपेंड करता है कि मैं जब बच्चा आया तो आपके साथ कितना अच्छे से रेपो मैं एस्टेब्लिश कर पाई. अगर मेरा बहुत अच्छे से रेपो नहीं है तो आप बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं दे पाएंगे. तो इसलिए एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज अ ट्रेन्ड पर्सन, आई नीड टू मेक श्योर कि मैं आपके साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप बना पाऊँ, बच्चे को काम डाउन कर पाऊँ. डिपेंडिंग ऑन छोटा बच्चा है और उसके पेरेंट्स से के बाहर वेट कर रहे हैं, बच्चे को पता नहीं मेरे पेरेंट्स हैं या नहीं है, तो सेपरेशन एंग्जाइटी होती है कि कहीं वो मुझे छोड़ के तो नहीं चले गए. तो अगर ऐसा है तो बच्चा अच्छे से नहीं कर पाएगा. तो उसको काम डाउन करना, उसको पेसिफाई करना, उसको समझाना, उसको बताना कि हम क्या कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं और इससे क्या बेनिफिट होगा, वो हमें डिस्क्लोज करना, बच्चे को बताना बहुत जरूरी है उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस लाने के लिए. तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. जी मैं सुनीता, आपने इतने सारे पॉइंट्स बताए हमारे दर्शकों को, क्या क्या चीज़ें हैं जिसके वजह से प्रभाव पड़ता है साइकोलॉजिकल असेसमेंट और टेस्टिंग करने में. हमने ऑनलाइन टेस्टिंग के बारे में बात की कि वो ज़्यादा रिलायबल नहीं होते. अगर आप ऑनलाइन टेस्ट ले रहे हैं तो वो अलग वातावरण के लिए मे बी डेवलप किया गया हो, मे बी वो किसी दूसरे देश के हिसाब के उनके टर्म्स एंड कंडीशन या उनके एनवायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया हो, जो किसी भारत के किसी गाँव में उसका इम्प्लीमेंटेशन सही से ना हो पाए. और भी बहुत चीज़ों के बारे में हम एपिसोड में अपने बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर हम साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है अगर साइकोलॉजिकल टेस्ट में? साइकोमेट्रिक मींस द साइंस ऑफ इवैल्यूएशन, किस तरीके से हम इवैल्यूएट करते हैं. जैसे हमने पहले बात की थी नॉर्म्स, उसकी वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी एज वेल एज स्टैंडर्डाइजेशन, ये चार फैक्टर्स होते हैं. ऑब्जेक्टिविटी, ये फाइव कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी भी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के. तो वो हमने डिटेल में बात किया कि नॉर्म्स क्या होते हैं, रिलायबिलिटी क्या होती है, वैलिडिटी क्या होती है, वो सब पता होना चाहिए. वो साइकोलॉजिस्ट के पार्ट पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का टेस्ट यूज़ करता है. लेकिन जब हम आम लोगों की बात करते हैं, साइकोलॉजिकल असेसमेंट की बात करते हैं, तो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के अलावा बहुत सारे मेथड्स हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि इंटरव्यू मेथड है, वो हमें यूज़ करना चाहिए. जब हम इंटरव्यू मेथड की बात करते हैं तो कॉन्फिडेंशियलिटी हमें एश्योर करना चाहिए कि जो भी आप बात कर रहे हो वो
हमारे पास ही रहेगी, वो हम किसी से शेयर नहीं करेंगे. स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस होते हैं कई बार जिसमें आपको स्कोप ज़्यादा नहीं होता, आपको ये क्वेश्चंस पूछने होते हैं, लेकिन स्कूल सिस्टम में इतना स्ट्रक्चर्ड नहीं होगा, आप अनस्ट्रक्चर्ड वे में स्टूडेंट से बात कर सकते हैं. लेकिन जब आप इंटरव्यू कर रहे हैं या बच्चे से बात कर रहे हैं, उस टाइम में ये इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके के क्वेश्चन आप उनसे पूछ रहे हैं. बहुत ओपन एंडेड अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे, द चाइल्ड विल हैव अ स्कोप टू एलाबोरेट टू आंसर. यू नो, अगर मैं आपसे पूछूँ आपका दिन कैसा रहा, रादर देन आस्किंग आपका दिन अच्छा रहा, तो आप हाँ या ना में आंसर देंगे, जिससे मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने का चांस नहीं दे रही. लेकिन अगर मैं ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछती हूँ कि आपका दिन कैसा रहा, तो आपको चांस है कि आप पूरा उसको एलाबोरेट करोगे. तो ओपन एंडेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछिए, आप उसके साथ अच्छे से रेपो कीजिए. आप बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग क्वेश्चंस ना पूछें, या आपको बहुत गुस्सा आता है, किसी बच्चे को हर बात पे गुस्सा आता है तो पेरेंट्स या टीचर्स यूजली यही कहते हैं, क्यों इतना गुस्सा करते हो, एज इफ वी आर ब्लेमिंग यू, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एंगर. इंस्टेड ऑफ सेइंग क्यों गुस्सा करते हो, हम ये कह सकते हैं कि किस बात पे गुस्सा आता है. तो उसमें हम आपको ब्लेम नहीं कर रहे, हम वो एक पर्टिकुलर चीज, किस चीज़ की वजह से या किस वजह से आपको गुस्सा आता है. तो जब आप, आपकी क्वेश्चनिंग जो होती है, किस तरीके से क्वेश्चन करते हैं, उससे बहुत फर्क पड़ता है कि बच्चा आपके साथ शेयर करता है या नहीं करता है. और जब हम कुछ शेयर करते हैं, हम अपनी मेंटल स्टेट या हम अपनी मानसिक अवस्था बताते हैं, अपने पहनने के तरीके से, अपने बात करने के तरीके से, अपने चलने से के तरीके से, हम अपने इंट्रैक्शन के तरीके से, हम किसी भी इंसान की मनोदिशा को समझ सकते हैं, वो हम ऑब्जर्व करके. तो इंटरव्यू करके, बातचीत करके, प्लस ऑब्जर्वेशन से. जब हम ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, तो उसमें किस तरीके का वो रिस्पॉन्स देते हैं, वेदर द चाइल्ड इज ओपन और नॉट, वेदर ही टेक्स टाइम टू आंसर द क्वेश्चंस और नॉट, उसका इंट्रैक्शन पेरेंट्स के साथ कैसा होता है, क्या वो गुस्से से बात करता है, क्या वो नॉर्मली बात करता है, क्या वो प्यार से बात करता है. तो उसका, उसको ऑब्जर्व करना. और कई बार ऐसा होता है कि आपकी ऑब्जर्वेशन बड़ी सब्जेक्टिव हो जाती है, क्योंकि बच्चे ने आपके साथ मिसबिहेव किया, तो आप उसके एक नेगेटिव बिहेवियर को ही फिल्टर करना शुरू कर देते हो. तो जब हम असेसमेंट की बात करते हैं, तो हम डिफरेंट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन लेते हैं. हो सकता है वो बच्चा उस टीचर के साथ ही प्रॉब्लम करता हो, लेकिन दूसरे टीचर्स के साथ बहुत अच्छा है, दूसरी सिचुएशन में, दूसरे पीरियड्स में बहुत अच्छा है, घर पे बहुत अच्छा है. तो हम ये नहीं कह सकते कि ये प्रॉब्लम इस बच्चे की है. क्यों? सिचुएशन पे. बिकॉज अगर उस बच्चे की प्रॉब्लम होती, तो मोस्ट लाइकली वो वैसे ही बिहेव करता हर सिचुएशन में, राइट. लेकिन यहाँ पे उस पर्टिकुलर इंसान के साथ या टीचर के साथ ही उसको प्रॉब्लम आती है. इट मींस देयर इज समथिंग विद दैट पर्टिकुलर पर्सन, ही और शी नीड्स टू चेंज द वे ही इज इंटरेक्टिंग विद द चाइल्ड. सो ऑब्जर्वेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर द टीचर्स, बिकॉज टीचर्स आर ऑलवेज देयर इन द स्कूल, दे कीप ऑन ऑब्जर्विंग द चाइल्ड. सो यूज दैट. एंड किस तरीके के रिएक्शंस होते हैं, उसका मूड कैसा होता है, उसका ड्रेसिंग अप कैसा है, वो टिफिन में क्या लेके आ रहा है, इफ द टीचर इज वेरी ऑब्जर्वेंट, दे विल गेट टू नो कि उसके घर में क्या चल रहा है. सपोज द चाइल्ड इज ब्रिंगिंग इन द टिफिन ओनली ब्रेड एंड सॉस एवरी डे, what kind of you can have the information about the child, maybe her mother is not very, you know. So एक आपने ऑब्जर्व किया उस इन्फॉर्मेशन को, ये इन्फॉर्मेशन कम्प्लीट नहीं है, ये आपको कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन भी नहीं देगा. लेकिन आपने कुछ ऑब्जर्व किया, उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए आप बच्चे से बात करेंगे, आप बच्चे से इंटरव्यू करेंगे. अच्छा बेटा, घर में कौन कौन है, क्या चीज आपको खाने में अच्छी लगती है. हो सकता है बच्चे को ब्रेड ही अच्छी लगती हो, राइट. तो हम, वी शुड नॉट जम्प टू द कंक्लूजन. तो जब हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की बात करते हैं, तो वो एक लिमिटेड हमें डेटा देता है, और हम कंक्लूजन पे जंप कर सकते हैं. लेकिन जब हम साइकोलॉजिकल असेसमेंट की बात करते हैं, तो हम डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट सोर्सेज यूज करते हैं, ताकि प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइक गिविंग द सोल्यूशन इज अप्रोप्रिएट रादर देन इनअप्रोप्रिएट जम्पिंग टू द कंक्लूजन्स. Right. When we talk about the factors like which can affect the test score and how to bring out the best performance during the test. See, जब हम best performance की बात करते हैं test के लिए, सबसे पहले important है बच्चे के साथ अच्छे से rapport आपकी होनी चाहिए, so that the child is comfortable. देन वी हैव टू मेक श्योर कि वो जो एनवायरमेंट है वो एक प्रिवेसी होनी चाहिए. ये नहीं कि कोई सब आके देख रहा, अच्छा वो क्या कर रहे हो, क्या टेस्ट कर रहे हो,
डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए. नंबर थ्री कि एज ए साइकोलॉजिस्ट आपको पता होना चाहिए कि वो किस रीजन से, किस रेफरेंस की वजह से आया है. अगर उसको इमोशंस में इश्यू है तो आप कोई टेस्ट ऐसा यूज करेंगे जो आप उसकी पर्सनालिटी या उसके इमोशंस के बारे में बताए. अगर उसको प्रॉब्लम है एकेडमिक्स में तो डिपेंडिंग ऑन हिज नीड कि उसकी जरूरत क्या है आप टेस्ट सेलेक्ट करेंगे. उस टेस्ट सेलेक्शन के लिए आपको ये मेक श्योर कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर है वो आप अच्छे से उसको फॉलो कर रहे हैं, आप उसको डिटेल में उसको समझा रहे हैं. वंस यू गेट टू नो कि बच्चे ने समझ लिया अच्छे से, देन ओनली यू शुड स्टार्ट एंड फॉलो द स्ट्रिक्ट टाइमिंग्स और व्हाटएवर द इंस्ट्रक्शन इज गिवन इन द टेस्ट. So these are the things you should take care when you go for the psychological testing. यानी कि ये अगर हम बात करें तो ये ज्यादातर जो टेस्ट कर रहे हैं उन पे ये ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो बिहेवियर और बाकी चीजों को वो मद्देनजर रखें. बिल्कुल. अगर हम माँ बाप के रोल की बात करें तो क्या उन पे भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बच्चे को किस मेंटल कंडीशन में जब वो रहे तब वो ले जाए टेस्टिंग कराने के लिए? बिल्कुल, ये पेरेंट्स के लिए यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि एक हम उस चीज को डराए ना, उसको हवा ना बनाए कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो, चलो तुम्हें साइकोलॉजिस्ट के पास दिखाते हैं या तुम्हारी प्रॉब्लम्स की वजह से. ये एक नॉर्मल रूटीन हो सकता है, नॉर्मल जांच हो सकती है. अगर वो कोई मुश्किल आ रही है तो बच्चे का मेंटल सेट करना कि कुछ ऐसा अबनॉर्मल चीज नहीं है उनके साथ. तो एक सिर्फ जानने के लिए हम आपको लेके जा रहे हैं तो वो बहुत बताना बहुत जरूरी है. दूसरा, मेक श्योर कि बच्चा अच्छे से खाया हुआ हो, भूखा हुआ नहीं हो, चिड़चिड़ा नहीं हो, फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो और उसकी अग्रीमेंट हो. अगर वो अग्री नहीं कर रहा है तो उस दिन के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं. वंस यू मेक देम अंडरस्टैंड, दिल अंडरस्टैंड एंड देन यू कैन टेक देम फॉर द साइकोलॉजिकल टेस्टिंग. उसको फोर्स करके ना लेके जाएं. लेकिन अगर हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की बात करें, अभी भी कहीं ना कहीं से एक टैबू की तरह माना जाता है. लोग बोल रहे हैं कि अच्छा दिमाग के डॉक्टर के पास, उसको लोग पागलपन या किसी और तरह डिप्रेशन या नेगेटिविटी की तरफ जोड़ देते हैं. तो कितनी जरूरत है इस टैबू से उबरने के लिए और जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको भी पता चल सके कि बहुत नॉर्मल चीज है जो कोई भी ले सकता है ये टेस्ट? जैसे कई बार आपको लगता है कि आप कुछ काम कर रहे हो, स्क्रीन पे काम कर रहे हो, कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, आपकी आंखें थक गई हैं, कई बार लगता है कि आपको थोड़ा धुंधला दिख रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं? शायद आपके डॉक्टर के पास जाएंगे. जाएंगे और आप टेस्ट कराएंगे. उसमें कुछ आप हिचकते नहीं, झिझकते नहीं, आपको लगता है कि चेक कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप जाते हो, चेक कराते हो, नॉर्मल आते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सिर्फ डॉक्टर एक्सरसाइजेस बताते हैं और कहते हैं कि आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत है और कुछ ड्रॉप्स देते हैं, वो आप ठीक हो जाते हो. उसी तरीके से जब आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हो, आप जांच करके देखते हैं कि अच्छा आपको कोई किसी तरीके की डिफिकल्टी तो नहीं आ रही. अगर डिफिकल्टी आ रही है तो उस डिफिकल्टी से हम कैसे कैसे आपको हेल्प कर सकते हैं बाहर आने के लिए. तो ये वैसे ही है जैसे नॉर्मली आप अपने किसी भी शारीरिक डिफिकल्टीज के लिए जाते हो डॉक्टर्स के पास या किसी एक्सपर्ट के पास, उसी तरीके से आप यहाँ पे भी जाते हो. यहाँ कई बार जैसे आप ट्यूशन का एग्जांपल ले सकते हैं. अगर हम स्कूल सिस्टम की बात करें, कुछ बच्चे मैथ्स में अच्छा नहीं कर पाते तो पेरेंट्स तुरंत जाएंगे और उसका ट्यूशन लगवा देते हैं. किन्नी मैथ्स का ट्यूशन लगवा देते हैं या SST का ट्यूशन लगवा देते हैं. उसी तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ठीक है, बच्चे को परफॉर्मेंस में मुश्किल आ रही तो चलो जाके देखते हैं कि कहीं कहाँ मुश्किल आ रही है उसको. तो ये स्टिग्मा, ये टैबू नहीं है कि आपका माइंड काम नहीं कर रहा है इसलिए आपको साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत है. हम पहले भी कई बार कई सेशन में ये बता चुके हैं कि साइकोलॉजी का बेसिकली मेन पर्पस होता है कि आपकी लाइफ को, पर्सनल एंड प्रोफेशनल ऑक्यूपेशनल लाइफ को या स्टडी लाइफ को कैसे इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली बनाए. दैट इज द रोल ऑफ साइकोलॉजी, नॉट अ स्टिग्मा और फाइंडिंग आउट ओनली डिफिकल्ट इश्यूज इन योर लाइफ. राइट, बहुत अहम बात आपने कही कि ये एक नॉर्मल किसी भी तरह टेस्ट की तरह है. आपकी जो पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ है उसको और इन्हांस करने के लिए आप टेस्ट ले सकते हैं. मैम यहाँ पे ये जानना चाहेंगे कि टेक्निक्स की बात करें साइकोलॉजिकल असेसमेंट में तो किस तरह के टेक्निक्स का उपयोग किया जाता है? साइकोलॉजिकल टेस्टिंग इज ओनली वन पार्ट. अगेन एंड अगेन वी आर जस्ट लाइक गिविंग अ फोकस ऑन दिस कि टेस्टिंग इज जस्ट वन पार्ट. जब तक इसको इंटरप्रेट सही से नहीं करेंगे, दूसरी इंफॉर्मेशन के साथ इंटीग्रेट नहीं करेंगे, इसका आइसोलेशन में कोई मीनिंग नहीं है. अपने आप में इसका कोई मीनिंग नहीं है. सपोज मैं ये बोल दूं आपका IQ स्कोर 90 है या आपका जो एबिलिटी है वो साइकोमोटर एबिलिटी बहुत अच्छी है, it doesn't have any meaning for you.
इसका मुझे रिलेट करना पड़ेगा कि साइकोमोटर एबिलिटी है तो आप क्या क्या कर सकते हैं, किस किस करियर ऑप्शंस में जा सकते हैं. अगर आपका आईक्यू 90 है, इट मींस कि आप एवरेज एबिलिटी रखते हो समझने की, और हमें कुछ भी परफॉर्म करने के लिए लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए हमें एवरेज कैपेबिलिटी ही चाहिए. उसके साथ हमें मोटिवेशन चाहिए, उसके साथ हमें इमोशनल बैलेंसिंग चाहिए, उसके साथ हमें हार्डवर्क चाहिए. तो एक पर्टिकुलर डेटा विल नॉट गिव यू एनीथिंग अंटिल अनलेस यू वर्क ऑन ऑल दीज डिफरेंट इश्यूज. सो जब हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की बात करते हैं, इट्स ओनली वन पार्ट. सो साइकोलॉजिकल असेसमेंट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, विच गिव्स द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज लाइक केस स्टडी. यू स्टडी अबाउट अ पर्सन इन डेप्थ, बचपन से उसका क्या रहा, कैसा रहा, रूटीन क्या रहा, कैसा समझने सीखने का रिलेशनशिप का क्या है, तो वो केस स्टडी, इन डेप्थ स्टडी अबाउट समवन. Interview, observation, all these will help you, and this you have to get from different sources like parents se, teacher se, uske peer group se, friend se. Wo sab baate karke jab aap nikalte ho information, to I think ek complete comprehensive information aapko kisi ke baare mein milti hai aur usko help kar sakte ho aap aage badhne mein. यानी कि अगर टेस्टिंग की बात करें तो टेस्टिंग बहुत छोटा सा पार्ट है असेसमेंट का, अगर हम लार्जर पर्सपेक्टिव में बात करें. वेरी ट्रू. और असेसमेंट क्या काफी लंबा प्रोसीजर है, अगर समय की बात करें तो कितना समय लगता है अगर किसी एक बच्चे पे अगर हम असेसमेंट करना चाहें तो? सी असेसमेंट इट्स अ प्रोसेस. व्हेन वी टॉक अबाउट लाइक टेस्टिंग, इट कैन बी डन ओनली एट वन पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. एंड व्हेन वी से असेसमेंट, वी कीप असेसिंग, वी कीप ऑब्जर्विंग people over a period of time, and we cannot observe the person for whole life. That is like very time consuming. So we take specific period, specific behavior, specific period, and then we test the person or see the person over a period of time. कि थोड़े समय के लिए हम उसको observe करते हैं, और अगर वो almost सही है या उसका behavior almost consistent है हर situation में, हर कॉन्टेक्स्ट में, हर इंसान के साथ, देन देयर इज नो प्रॉब्लम. बट इफ इट इज इनकंसिस्टेंसी कि आपने ऑब्जर्व उसको कुछ और किया लेकिन उसका रिजल्ट कुछ और आ रहा है, उसका इंट्रैक्शन कुछ और है, देन इनकंसिस्टेंसी है. इनकंसिस्टेंसी मीन्स एक इन्फॉर्मेशन आपको कुछ और बता रही है, दूसरी इन्फॉर्मेशन आपको कुछ और बता रही है. तो उसका मीनिंग निकालना, उसको समझना कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इसने ऐसा क्यों बिहेव किया होगा, वो रीजन जानना बहुत जरूरी है. तो वो जो इनकंसिस्टेंसी है उसको हैंडल करना आपको आना चाहिए, बिकॉज इनकंसिस्टेंसी की वजह से बहुत वजह हो सकती है. और अगर असेसमेंट की बात करें तो क्या अलग अलग तरह के असेसमेंट होते हैं या कोई एक ही तरीके का असेसमेंट होता है? असेसमेंट की डिफरेंट टेक्निक्स हैं, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन, दिस इज वंडरफुल टेक्निक ऑफ असेसमेंट, जिसमें टीचर्स, पेरेंट्स, हम सब ऑब्जर्व करते हैं. या आप कहीं पे जॉब करते हैं, जहाँ आप जैसे अभी आप यहाँ पे जॉब करते हैं, तो आपको पीपल ऑब्जर्व यू, यू नो कि आप किस तरीके से विश करते हैं, किस तरीके के कपड़े पहनते हैं, किस तरीके से आप स्माइल करते हैं या नहीं करते हैं, या आप हमेशा ऐसे ही किसी से मिलते हो. सो पीपल हैव जनरल व्यू अबाउट यू, एंड समटाइम्स वो सोचते हैं कि हाँ आपका एक परसेप्शन बन जाता है, बट जब वो आपसे बात करते हैं तो वो कहते भी हैं कि हम आपको ऐसा सोचते थे लेकिन आप तो ऐसे बिल्कुल नहीं हो. बिल्कुल, है ना. तो एक सोर्स से अगर हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं, पहले सोर्स से इन्फॉर्मेशन थी, वो आपको ऑब्जर्व करके उन्होंने एक माइंड में सेट कर लिया, लेकिन वो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन थी. तो वो उस इन्फॉर्मेशन को कम्प्लीट कैसे किया? आपसे बात करके, आपसे मिलके, आपसे बात करके. तो वो इंटरव्यू मेथड में आ जाता है. अच्छा, यू नो, तो जब हम कंबाइन करते हैं डिफरेंट सोर्सेज को, इंटीग्रेट करते हैं और उसका मीनिंग निकालते हैं, दैट इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंप्लीट रादर देन जजिंग अ पर्सन ऑन बेस्ड ऑन वन पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन. जी, तो अगर हम असेसमेंट या टेस्टिंग की, टेस्टिंग तो एक हालांकि छोटा उसका रूप है, लेकिन क्या ये किसी एक वर्ग के लिए है या फिर किसी भी उम्र सीमा में ये करा सकते हैं? आप किसी भी उम्र सीमा में ये करा सकते हैं. जब हम चिल्ड्रन की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट पीपल हु आर अंडर 18, जैसे हमारे लॉ में भी है 18 ईयर्स से जो भी है वो बच्चों की कैटेगरी में काउंट होते हैं, तो उनके लिए अलग टेस्ट होते हैं. देन वी हैव अडल्ट कैटेगरी, एंड देन वी टॉक अबाउट डिफरेंट साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स. आप एबिलिटी जानने के लिए, आप एप्टीट्यूड जानने के लिए, आप इंटरेस्ट जानने के लिए, आप मोटिवेशन जानने के लिए, आप डिफरेंट एटीट्यूड जानने के लिए, एंड डिफरेंट तरीके भी हम यूज करते हैं. जैसे कि अगर अभी रिसेंटली कर्नाटका में इलेक्शन हुए हैं, तो लोगों का क्या ओपिनियन है, क्या उनका एटीट्यूड है
बीजेपी की तरफ या कांग्रेस की तरफ या किसी पर्टिकुलर पार्टी की तरफ, तो वो एटीट्यूड जानने के लिए हम सर्वे भी करते हैं. सो वी हैव डिफरेंट मेथड्स टू गेट टू नो द एटीट्यूड और ओपिनियन ऑफ द पर्सन, साइकोलॉजिकल वेरिएबिलिटी. सो देर आर डिफरेंट वेरिएबल्स. सो डिपेंडिंग ऑन क्या नीड है, कुछ लोग होते हैं जो एट द एज ऑफ 40 दे डिसाइड कि मुझे इस अपने पर्टिकुलर प्रोफेशन में अपना करियर नहीं फॉलो करना, अब मुझे चेंज करना है, दे कैन गो फॉर साइकोलॉजिकल टेस्टिंग. कुछ लोग होते हैं जिनको मुश्किल आती है कि मैं अपनी वाइफ के साथ अच्छे से रिलेशनशिप नहीं बना पाता या मैं अपने कलीग के साथ रिलेशनशिप नहीं बना पाता, तो आई नीड टू गो सम पर्सनालिटी टेस्ट एंड ऑल. मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी पर्सनालिटी में कहाँ मुश्किल आ रही है. सो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ द पर्सन एंड वी कैन हैव द टेस्ट फ्रॉम चाइल्ड टू द अडल्ट और द ओल्डर एज. राइट, थैंक यू सो मच मिस सुनीता हमारे एपिसोड में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, खासकर साइकोलॉजी के बारे में, जिसके बारे में हमारे दर्शक काफी हमसे प्रश्न पूछते रहते हैं और हमें मेल भी करते रहते हैं. आज के लिए फिलहाल इतना ही. अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न या कोई भी सुझाव हो तो आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं. हम अपना नंबर फ्लैश कर रहे हैं 1800112199. साथ ही हमारा दूसरा नंबर भी है 1800111265. हमारा ईमेल का पता भी आप लिख सकते हैं ciet.kishoremanch@gmail.com. आज के लिए फिलहाल इतना ही. कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक और एक नए एक्सपर्ट के साथ. तब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी चैनल पे. नमस्कार.